द्वारा खंडवा से बड़ौदा तक रेल मार्ग के सर्वे को मंजूरी मिलने पर राजपुर में भाजपा मंडल और व्यापारी संघ द्वारा बस स्टैंड चौराहे पर एक दूसरे का मुंह मीठा करवा कर और आतिशबाजी का जश्न मनाया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल का आभार व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि निमाड़ क्षेत्र में रेल की मांग लंबे समय से की जा रही थी और कई आम जनता ने कई संगठनों के माध्यम से आंदोलन भी किए। अतः अब जाकर 6,25,00,000 की लागत से खंडवा से बड़ौदा तक रेल लाइन के सर्वे को बजट में शामिल किया गया, जिससे क्षेत्र की जनता में हर्ष व्याप्त है। वरिष्ठ भाजपा नेता जितेंद्र ठक्कर ने बताया कि क्षेत्रीय सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने निमाड़ क्षेत्र में रेल लाने के लिए अथक प्रयास किए और समय समय पर संसद में उक्त मांग को उठाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर निमाड़ को रेलवे लाइन से जोड़ने की मांग की गई थी। अतः उसी का परिणाम हुआ कि केंद्र सरकार ने 6,25,00,000 की राशि स्वीकृत कर उक्त सर्वे की अनुमति दी है। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष कृष्णा धनगर, सोशल मीडिया के जिला संयोजक नवीन गुप्ता, सांसद प्रतिनिधि यशवंत कानपुरे, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष लोकेश प्रजापत सहित बड़ी संख्या में मंडल पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बड़वानी से दिलावर खान की रिपोर्ट। आज निमाड़ की सबसे बड़ी और बहुप्रतीक्षित मांग रेलवे तो खंडवा से बड़ौदा रेल मार्ग के सर्वे की अनुमति आज केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने स्वीकृति प्रदान करी है, जिसमें 6,25,00,000 रुपए की राशि स्वीकृत की है। इन सब कार्यों के लिए हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री गजेंद्र सिंह पटेल द्वारा अथक प्रयास किए गए, समय समय पर संसद में इस विषय को उठाया और केंद्र की वर्तमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार और रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा इस मांग को मंजूर किया गया। क्षेत्र की जनता की ओर से, भारतीय जनता पार्टी मंडल राजपुर की ओर से, व्यापारी संगठन राजपुर की ओर से हम केंद्र सरकार का आभार प्रकट करते हैं और सांसद गजेंद्र सिंह पटेल को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उनके प्रयासों से यह मार्ग, रेलवे मार्ग आगे जाकर स्वीकृत होगा।